बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम सामिन हाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मग़फ़िरा ईद सईद का बड़ा ही खूबसूरत वजीफ़ा। उलमा फरमाते हैं, अकाबरीन से भी इस बात को मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल वाली ने इस बात को नकल किया है कि जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा सुबहानल्लाही व बिहम्दिही, क्या पढ़ना है, सुबहानल्लाही व बिहम्दिही, इंशाल्लाह ये पट्टी पर भी चला दिया जाएगा, वो पढ़ने के बाद अपने फौजशुदा जो मुसलमान हैं, यकीनन हम ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान का रुख करते हैं, उनके हाज़िरी देते हैं, तो लिहाजा उलमा फरमाते हैं ईद के लिए जा रहे हैं या तो उस वक्त पढ़ लें, फारिग हो गए हैं जब आ रहे हैं, जब पढ़ लें, कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो कम अज़ कम ईद के दिन 300 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही पढ़ कर अपने जो फौत शुदगा जो मुसलमान हैं अगर उनको इसाले सवाब कर दे तो अल्लाह तबारक व ताला जितने भी मरहूमीन हैं या जितने कब्रिस्तान में ज़ेर ज़मीन हैं तमाम की कब्र में 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। और जब पढ़ने वाला जब अल्लाह के करम से जब इसकी मौत का वक्त आएगा, जब ये जो ना मतलब एक अपनी कब्र के अंदर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी कब्र में भी 1000 अनवार और तजल्लियात अपनी जो दाखिल फरमाएगा। बड़ा खूबसूरत वजीफ़ा है, आज आप किसी के लिए पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कल वो आपके लिए काम आएगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।